रात को कैंप 3 से अगले दिन कैंप 4 गए। कैंप 4 को बोलते हैं समिट कैंप, जो कि एक जगह है समिट जहाँ समिट के लिए जाते हैं, उसको बोलते हैं साउथ कॉल एवरेस्ट में। और साउथ कॉल का साइज एक फुटबॉल फील्ड से भी बड़ा है, लेकिन वहाँ पे ना इतनी तेज आंधियाँ आती हैं, वो है 8,200 मीटर्स पे, मतलब 26,000 फुट पे। उसमें हम जब शाम दिन में पहुँचते हैं तो वहाँ पे हम रात को नहीं रुकते, फिर रात को हम चलना शुरू होते हैं समिट के लिए। हेडलैम्प सर पे लगे होते हैं, पीठ में ऑक्सीजन होता है, हर 5 कदम में सांस फूलती है, फिर उसके बाद में हर 5 कदम में सांस फूलती है। लेकिन एक एवरेस्ट चढ़ने का जो फीलिंग है वो एक अलग सा होता है ना। तो रास्ते में ना वहाँ डेड बॉडीज भी पड़ी हुई है, क्योंकि कई लोग जो हैं ऊपर कोशिश करते हुए मरे हैं, उनकी बॉडीज उस जगह पे अभी भी बिल्कुल ख़राब नहीं हो रखी, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर इसकी वजह से। तो उनकी बॉडीज को देख करके क्या करते हैं हम लोग, जब चढ़ते हैं हम उसको सलूट मारते हैं, क्योंकि उस जिसकी बॉडी है वो बेचारा भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग था जिसने चढ़ने की कोशिश करी, उसको रिस्पेक्ट करी जाती है ना। जैसे इंडिया गेट में हम जाके सलूट मारते हैं 26 जनवरी में जो वॉर हीरो थे उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे ही रात को चलते चलते पूरी रात चलते हैं और सुबह कोई 5, 5:30, 6 बजे हिलेरी स्टेप को क्रॉस करके हम एवरेस्ट पर पहुँचते हैं। वहाँ पे फिर 10 मिनट पूजा, 10 मिनट अच्छी फोटोग्राफी, 10 मिनट थोड़ा थोड़ा पानी पिया और फिर धीरे धीरे और ज़्यादा ध्यान से नीचे उतरते हैं, क्योंकि अब नीचे उतरते हुए भी उतना ही चैलेंजेस है लेकिन बॉडी की एनर्जी ख़त्म हो गई है। और उसके बाद फिर हम सीधा आते हैं साउथ कॉल जो कि लास्ट कैंप है, और वहाँ से कैंप टू में आकर के फिर सेटेलाइट फोन पे मम्मी पापा भाई बहन सबको हम एवरेस्ट चढ़ के आ गए। वो वाला होता है, ऐसे होता है एवरेस्ट। हाँ यार, ये जो है ये जिसको बोलते हैं आइस एक्स, ऐसे करके इससे चढ़ा जाता है। तो क्योंकि मैं एक माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी, मैं वहाँ पे प्रिंसिपल था, इसलिए ये मैं पहनता हूँ अपने यहाँ पे। और ये जो दूसरा है ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं माल्टीज क्रॉस। एक कंट्री है माल्टा, वहाँ पे ना पहले जो नाइट्स होते थे जो घोड़े पे चलते थे, जो गवर्नेंस को बनाते थे, जैसे आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है जो देखते थे कि यहाँ पे कोई कानून में गलत नहीं हो रहा है, तो जो नाइट्स ज़्यादा ताकतवर होते थे उनको वैलर के लिए एक अवार्ड दिया जाता था, उसे बोलते हैं माल्टीज क्रॉस। तो ये हो गया माल्टीज क्रॉस। यहाँ से रुड़की से अगर हम जाएंगे हरिद्वार से नजीबाबाद, वहाँ से कोई 1 घंटे का रास्ता है, एक जगह लैंस डाउन, वहाँ पे गढ़वाल राइफल्स की ट्रेनिंग होती है। तो गढ़वाल राइफल्स के जितने भी होंगे उनको ये पहनने का ऑनर मिलता है। तो इसलिए तुम लोगों ने IAS में भी जाना है, मेडिकल में भी जाना है, लेकिन अगर तुम में से कोई इंडियन आर्मी में जाएगा तो पक्का पाकिस्तान को तो धूम धूम के मार सकते हैं, तुम्हारे को देख के बोल सकता हूँ। सबकी जो आँख से डायरेक्ट जिस तरीके से जोश दिख रहा है, इसका क्या नाम है मिस्टर ब्लू का, क्या नाम है रुद्रांश, कौन सी क्लास में अभी, गुड। जिस तरीके से देख रहा है तो बिल्कुल तो जोश दिख रहा है, रॉ जोश, प्योर जोश। खुद सारा आतंकवादी मारे, टेररिस्ट भी मारे मैंने, मेरे यहाँ पे पाँव में गोली भी है, अभी भी गोली है, अभी भी एक अंदर इम्बेडेड है यहाँ पे और एक पीछे यहाँ पे हिप के ऊपर। मजे आए मेरे को बहुत। अब पाकिस्तान नहीं, जम्मू कश्मीर, कारगिल वॉर में आपके, कारगिल वॉर में मैं इंस्ट्रक्टर था जब टीमें चढ़ रही थी उस टाइम पे, क्योंकि वो माउंटेन्स थे ना पूरे, तो उनको नई टीम को एकदम से एक्लेमेटाइज करना और उसके बाद में ट्रेन करना कि कैसे शॉर्ट 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद अटैक में जा सकें। तो वो वाले उसकी ट्रेनिंग का जो टास्क था, जो टीम थी, उसका मैं भी एक हिस्सा था कारगिल वॉर 1999। वो लेके चलना पड़ता है थर्मस, थर्मस में पानी सर, तो फिर बीच में कंजर्व भी करना है क्योंकि कैरी भी करना है।
घड़ी भी लेके नहीं जाते हैं क्योंकि इतना वेट भी जो है वो एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, पानी को कंजर्व भी करना है साथ में। तो जितना भी है अगर बॉटल में लेके जाओगे तो बॉटल ना ब्लास्ट हो जाएगी, प्लास्टिक बॉटल होगी वो फ्रोज हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। तो थर्मस जो है फ्लास्क जिसके अंदर वो सिल्वर का वो लगा होता है, ऐसे वो थर्मस लेके चलते हैं। और उसके बाद में पहले तो जहाँ पे एक जगह लुकला जहाँ पे जहाज से जाते हैं वहाँ से एवरेस्ट बेस कैंप पहुँचने में लगते हैं 12 डेज, क्योंकि रास्ता लंबा है और फिर धीरे धीरे जितना चलते रहोगे तो उतना ना बॉडी फिट भी हो रही है। फिर टीम स्पिरिट बहुत जरूरी है, अगर आप ऊपर चढ़ रहे हो और आपस में लड़ाई हो रही है तो फिर वो नहीं हो सकता है। तो इससे 12 दिन अगर एक साथ चल रहे हो तो टीम में आपस में एक यूनिटी आती है। तो उसमें क्या होता है कि दो बॉटल पानी एक लेके जाएगा, 4 बिस्कुट के पैकेट दूसरा लेके जाएगा, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर लगा है तो उसके जो रेगुलेटर होता है उसमें से ऑक्सीजन ठीक आ रही है कि नहीं आ रही वो पीछे दिखाई देता है। तो मैं तो पीछे देख नहीं सकता लेकिन हम दोनों पार्टनर हैं तो मैं ऐसे खड़े होऊंगा ये देखेगा पीछे हाँ रेगुलेटर ठीक है। तो वो यूनिटी के ऐसे कई सारे अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट निकलते हैं। All the best, bye. Sir, क्या हुआ कि 7 terrorists आ रहे थे